हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। मैं हूँ सोनिया शर्मा। अगर खाने में अचार हो तो वो खाने के स्वाद को और भी बेहतर कर देता है। तो आज हम बनाएंगे ऐसा अचार जो भारत के कोने कोने में बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे आम का अचार। अगर आप भी इस तरीके से आम का अचार बनाते हैं तो आपका अचार भी सालों साल तक चलेगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आम का अचार बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 5 किलो रामकेला कच्चा आम, क्योंकि रामकेला आम ही अचार के लिए सबसे बेहतर होता है। अगर आप किसी और आम का अचार डालेंगे तो इससे अचार के जल्दी खराब होने का डर रहता है। मैंने जिस शॉप से आम को लिया था उसी शॉप से अचार के लिए आम को कटवा लिया था। तो अधिकतर अचार के लिए आम बेचने वाले आम को काट कर ही देते हैं। मैंने इस तरीके से आम के 4 टुकड़े करवाए थे, तो आप भी ऐसे ही एक आम के 4 टुकड़े करवा लेना। अब इन टुकड़ों को पानी में नमक डालकर बहुत अच्छे से धो लें। आप आधी बाल्टी में 3 से 4 चम्मच नमक के डाल सकते हैं और बस इनको अच्छे से रगड़ के धो लें और इनको एक छलनी में निकाल लें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी छलनी से निकल जाए। अभी आम के टुकड़ों को किसी कपड़े पे डालकर ओवरनाइट पंखे के नीचे सुखा देंगे। अगर आपके घर पे अच्छी धूप आती है तो इसको 3 से 4 घंटे धूप में सुखा दें। अगर धूप नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं, आप इसे पंखे के नीचे ओवरनाइट भी सुखा सकते हैं। ओवरनाइट सूखने के बाद आम के टुकड़े इस तरीके से दिखाई देंगे। ध्यान से हर टुकड़े को चेक कर लें कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अचार एक बूंद पानी से भी खराब हो सकता है। तो हमारी आम भी बिल्कुल अच्छे से सूखनी चाहिए। तो अब हमारा आम अचार के लिए तैयार है, तो आइए मसाले देखते हैं। 1.5 लीटर सरसों का तेल, क्योंकि अचार सरसों के तेल में ही बनता है। 400 ग्राम मोटी सौंफ, हल्दी 100 ग्राम, मिर्च 100 ग्राम, यहाँ पे मैं कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 400 ग्राम राई, 50 ग्राम कलौंजी, 200 ग्राम मेथी दाना और 1/2 किलो नमक। इतने मसाले 5 किलो आम के लिए काफ़ी हैं। अगर आप आम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसी हिसाब से मसालों को बढ़ा और घटा दें। तो सबसे पहले सौंफ, कलौंजी और राई को किसी मिक्सर में डालकर उसको दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रहे, मेथी दाना नहीं पीसना है, इसको साबुत ही डालना है। मिक्सी को थोड़ा थोड़ा चलाकर ही पीसें। अगर आप इसको लगातार चलाते हुए पीस देंगे तो ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। दरदरे पिसे हुए मसाले से अचार का स्वाद बहुत ही बेहतर आता है। मसालों को इस तरह से पीस लेना है। अब इस मसाले को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें बाकी सारे बचे हुए मसाले डाल देंगे। अब इनको अच्छे से ही हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स होने के बाद इसमें 1/2 लीटर सरसों का तेल डाल देंगे और फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मसाले में तेल मिलाने के बाद मसाले की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला थोड़ा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दें। अगर लग रहा है कि तेल थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आगे तेल और ऐड करना ही है। अब इस मिक्स हुए मसाले में आम को डालकर उसको भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि मसाला आम के अंदर इस तरह से बिल्कुल अच्छे से लग जाए। जब मसाला और आम अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लें। वैसे तो अचार के लिए चीनी मिट्टी का बर्तन ही सबसे बेहतर होता है। अगर आपके पास चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं है तो मेरी तरह किसी अच्छे फूड ग्रेड प्लास्टिक से बने कंटेनर में भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपके बर्तन में मसाला बच गया है तो उसको इस तरह से आम के टुकड़ों के ऊपर डाल दें और साथ ही डाल दें बाकी बचा हुआ सरसों का तेल। अब इसको ढककर किचन के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां इसके ऊपर बार बार हाथ ना लगे, कम से कम 8 से 10 दिनों के लिए। इस तरह से आप अचार डालेंगे तो इसको धूप में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 8 से 10 दिनों के बीच में इसको 1 से 2 बार शेक कर दें। इस डब्बे को हमें खोलने की जरूरत नहीं है, बंद कंटेनर में ही इसको शेक करें। अचार को डले हुए 10 दिन हो चुके हैं और अचार कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। कंटेनर को खोलते ही अचार के मसाले और जो खट्टेपन की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है वो बहुत ही बेहतर है। जब भी आप कंटेनर से अचार निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ या आप जिस भी चीज़ से अचार को निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर गीला अचार में लग गया तो अचार जल्दी ही खराब हो जाएगा। ये एक छोटी सी टिप थी किसी भी अचार को ज़्यादा दिनों तक बरकरार रखने के लिए। तो देखिए दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, काश मैं आपको खिला पाती। तो इस बार आप गर्मियों के मौसम में आम का अचार इस तरह से ही डालें और घटिया तरीके से डले हुए बाजार के आम के अचार को भूल जाएं। अगर आप भी बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अचार डालेंगे तो आपका डाला हुआ आम का अचार भी सालों साल तक चलेगा और अचार जितना पुराना होता जाएगा उसका स्वाद उतना ही बेहतर होता जाएगा और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने आम का अचार कैसे डाला। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।